दोस्तों, घर में सुख समृद्धि लाने के लिए वास्तु शास्त्र के नियम बहुत उपयोगी होते हैं। वास्तु के नियम सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा पर आधारित हैं। वास्तु में हर एक वस्तु की एक निश्चित दिशा बताई गई है। वास्तु में घर पर जूते चप्पलों को रखने के लिए भी अलग से नियम है। इन नियमों का पालन न करने से घर में दुर्भाग्य आता है। इसके प्रभाव से व्यक्ति का जीवन परेशानियों से घिर जाता है और आर्थिक समस्याओं का सामना भी व्यक्ति को करना पड़ता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जूते चप्पलों से जुड़े कुछ वास्तु के नियमों के बारे में बताएंगे, इसलिए पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, जूते चप्पलों को कभी भी उल्टा नहीं रखना चाहिए। कहते हैं कि इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है और परिवार की सुख शांति बाहर जाती है। उल्टे सीधे रखे चप्पल इस बात का भी संकेत देते हैं कि आपके धन के आगमन का रास्ता रुका हुआ है। दोस्तों, इसके अलावा जल्दबाजी में जूते चप्पलों को कहीं भी उतारने से बचना चाहिए। इससे घर में दरिद्रता आ सकती है। घर के सदस्यों को आर्थिक दिक्कतों से भी गुजरना पड़ सकता है। वास्तु के अनुसार जूते और चप्पलों को उत्तर या पूर्व दिशा में नहीं रखना चाहिए। उत्तर या पूर्व दिशा चप्पल जूते रखने से घर की सकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। ये दिशा माँ लक्ष्मी की होती है और इस दिशा में जूते रखने से घर में माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता है। दोस्तों, इसके अलावा आप जिस अलमारी में या तिजोरी में आप अपना सोना चांदी या पैसा रखते हैं, वहाँ पर जूता चप्पल भूल कर भी ना रखें। हम पैसों की इज्जत करते हैं और जिस चीज की इज्जत की जाती है उसके सामने जूता चप्पल नहीं रखा जाता। इसलिए वास्तु शास्त्र के मुताबिक पैसे रखने वाले स्थान के पास चप्पल को या जूते को नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के मुताबिक सीढ़ियों के नीचे भी जूता चप्पल नहीं रखना चाहिए। अगर आप अपने सीढ़ियों के नीचे जूता चप्पल रखते हैं तो आपको शारीरिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, इसके अलावा अपने कमरे में पलंग के नीचे जूता चप्पल नहीं रखना चाहिए। आप उसी जूते चप्पल को पहनकर बाहर घूमते हैं और अलग अलग तरह की गंदगी आपके चप्पल में लगती है। आप उसे अपने कमरे में लेकर आते हैं तो इससे आपके कमरे में नकारात्मक शक्ति का वास होता है। इस वजह से जूते चप्पल को कभी भी अपने कमरे में पलंग के नीचे नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा आपको कभी भी दूसरों के पहने हुए जूते चप्पल नहीं पहनना चाहिए। इससे आपके साथ अपशगुन हो सकता है, क्योंकि हिंदू धर्म के मुताबिक पैर में शनि देव का वास होता है। अगर किसी व्यक्ति का शनि भारी चल रहा है तो आप उसके जूते चप्पल को पहनकर उसकी परेशानियों को अपने सर ले सकते हैं और खुद परेशानी में पड़ सकते हैं। इसलिए दोस्तों, भूल कर भी किसी दूसरे के जूते चप्पल ना पहने। दोस्तों, वास्तु के अनुसार घर पर जूते चप्पलों को हमेशा जूतों की अलमारी में ही रखना चाहिए। इस अलमारी को भी हमेशा दक्षिण या पश्चिम दिशा में रखना चाहिए। घर में जूते चप्पल रखने के लिए यही सबसे शुभ दिशा मानी जाती है। दोस्तों, बाहर से आते वक्त भी जूते चप्पलों को दक्षिण या पश्चिम दिशा में ही उतारना चाहिए। वास्तु शास्त्र में जूते चप्पलों को घर के मुख्य द्वार पर उतारना भी अशुभ माना जाता है।